हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी लोहड़ी आए तुझो मेरी, हैप्पी लोहड़ी। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाले गुड वाली मॉर्निंग। मंदिर जाने के लिए नहा धोकर हम दोनों माँ बेटी हो चुके हैं तैयार, और मम्मी ने घर के मंदिर में भी कर ली है पूजा। सबसे पहले आप सभी को लोहड़ी के त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फेस्टिवल पंजाब में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। तो आज वही प्यारा सा दिन है। मम्मा हैप्पी लोहड़ी। वैसे मम्मा को सुबह उठते ही मैंने विश कर दिया था पुच्ची देकर, लेकिन अभी ये व्लॉग वाली विश कर रही हूँ। मंदिर में माथा टेक के पूजा पाठ करके आ गए हम। अभी मम्मी यहाँ पे लोहड़ी की शॉपिंग कर रही है। देखो चंगू मंगू पंगू इतने सारे आ गए यहाँ पे। सबने घेर लिया। पॉपकॉर्न भी रख दो। हाँ। येलो वाले रख देना। हाँ सुंदर मंदिर ये, आए तेरा कौन बेचारा, आए बिना पट्टी वाला, आए बर। फिर से एक तीर से दो निशाने। निशाने तो कितने ही हो गए। सुबह सुबह उठ गए, वॉक भी हो गई, मंदिर भी जाए, पूजा पाठ भी कर लिया, शॉपिंग भी हो गई। ओ माय गॉड, मैं तो दिखा भी नहीं पा रही हूँ, इतने सारे लिफाफे फिलहाल मैंने पकड़े हुए हैं हाथ में, इतना सारा सामान लोहड़ी के फेस्टिवल का। अभी हो सकता है हमें और भी लेना पड़े। इसमें पास्ता भी है और राजमा भी है। आज वैसे हम राजमा ही बनाने वाले थे, हम सोचे थे भाभी आ रहे हैं तो राजमा भिगाएंगे करके, लेकिन फिर जब देखा तो डब्बा खाली रहा राजमा का। फिर हमने व्हाइट वाले चने भिगाए ना। हाँ जी, इतनी ठंड हो रही है, लेकिन घर आते आते मुझे इतनी गर्मी लग गई। आते हमने सबसे पहले अपना कोट निकाल के बाहर रखा है। मम्मा भी आ गए हैं अभी, और ये सारा सामान उठाया ना, तो चलना और सामान उठा के चलना तो हो जाता है ना, पसीने भी आ रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि सर्दी में पसीने नहीं आते, काम काज करो बार बार उठाओ तो सर्दी में भी पसीने आते हैं। और आपने कल के भाई के व्लॉग में देख ही लिया होगा, मतलब जो आज व्लॉग आपने सुबह देखा होगा उसमें आपको पता लग ही गया होगा कि भाई भाभी घर आ गए थे कल रात, और काफ़ी देर तक हम लोग रात बैठे रहे, बातचीत करते रहे। 12:30 कर रात हम लोग बात बात करके सोए हैं, और अभी वो आए हैं घर में, काफ़ी रौनक सी लगी हुई है। अब उठेंगे तो फिर आपको मिलवाऊंगी उनसे, ये सामान संभाल लेते हैं। तब तक चाय पियोगे अम्मी? हाँ चाय बनाते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चन जी, हैप्पी लोहड़ी बच्चन जी। जाओ जाओ जाओ, भैया को गुड मॉर्निंग बोलो। गिच्ची भैया भी उठ गए हैं। अभी नोबिता अपने पापा के साथ जा रहा है घूमी घूमी करने के लिए। तुम भी जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी घुमाओ, जाओ बसंती और नोबिता दोनों चले गए हैं, अभी घूमी घूमी करके आएंगे। गुड मॉर्निंग कल्लो, कल्लो गुड मॉर्निंग, हैप्पी लोहड़ी कल्लो। दूध लिया जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी बन रही है गर्मा गर्म चाय। लोड़ी काके। अगले साल आप लोड़ी बनावांगे है ना। गुड मॉर्निंग जोशी जी, हैप्पी लोड़ी जोशी जी। नमस्कार मम्मा जी। मैं ठीक हूँ, हैप्पी लोड़ी। मंदिर से आते हुए सुबह जो हम पास्ता लेकर आए थे वो बनाया जा रहा है नाश्ते में, बॉईल करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। खाओ पास्ता, देखो अपना अपना रास्ता। ओए होए, लास्ट दिन भाभी गए थे ये लोग घर से, दिन पास्ता खा के गए थे ना, अब वापस आए फिर पास्ता ही खिलाया जा रहा है इनको। तैयारियां चल रही है, पत्ता गोभी काटी जा रही है, और यहाँ पे भाभी की सासू माँ काट रही है ब्रोकली। अमीरों वाला पास्ता बन रहा है आज। आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मम्मा जब भी पास्ता बनाते हैं तो दीदी आप बड़े टेस्ट से खाते हो, बहुत तारीफ करते हो, तो मम्मी ऐसा क्या डालते हैं पास्ता में, एक बार आप रेसिपी जरूर शेयर करना।
तो आज मम्मी भी पास्ता बनाने लगे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या डालते हैं पास्ता में। यहाँ पे पास्ता उबलने के बाद इसको छानने में निकाल के रख लिया गया ताकि जो पानी थोड़ा बचा कुचा है वो भी निकल जाए। और कढ़ाई में यहाँ पे तेल हमारा गर्म हो चुका है। अभी सबसे पहले गर्मा गर्म तेल में जा रहा है जीरा। जीरा ब्राउन होते ही सबसे पहले प्याज डाला जाएगा। हल्का सा प्याज भूनने के बाद टमाटर ऐड किया जा रहा है। अभी धनिया, जीरा, लौंग और काली मिर्च इसे सब कुछ डाल दिया। नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, ब्रोकली ऐड की जा रही है। पकाएंगे। ये थोड़ा सा भी इसमें ऐड किया जा रहा है पानी और इसके बाद ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि हमारी जो वेजिटेबल अच्छे तरीके से पक जाए। बेचने बड़े तरीके से साफ कर लिए हैं पानी में और इसमें डाला है थोड़ा मीठा सोडा ताकि अच्छी तरीके से गल जाए। ऊपर से थोड़ा नमक ऐड किया जा रहा है। अभी साथ ही साथ उबालने के लिए रख देते हैं जब तक हमारा पास्ता तैयार हो रहा है। दोपहर का भी करना है, दोपहर का रिक्वायरमेंट भी करना है। यही होता है नाश्ता, फिर लंच, फिर डिनर। गर्म गर्म पानी भी ऐड किया जा रहा है ताकि पकने में थोड़ा कम टाइम लगे। चलो जी, जब मैं आई थी ना उस समय मम्मी से कुकर का ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा था ना। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, देखी मेरे नोबिता मम्मी ना लाडिया लाडिया करता पिया। छोना बुट्टी बन गया सी, छोना बुट्टी बन गया सी। इदी अखां नूं बटन वर्गी लग गया। कुंड कढ लिया। सच में बड़ा मजा आता है ऐसे अगर चिन रख के ऐसे बैठो ना। इसको बड़ा पता है ऐसे कंफर्ट जोन का कहाँ पे मजा आएगा। कुछ कुछ ही करो, मजा के लो। ढक्कन हमने उठाया तो हमारी सब्जियां भी थोड़ी थोड़ी पक चुकी हैं। टमाटो सॉस डालने के बाद नेक्स्ट अभी सोया सॉस। ये काली सॉस कहते हैं क्या वो? काली सॉस। ये रेड चिल्ली सॉस और अभी ये ग्रीन चिल्ली सॉस, हरी चटनी बोलते हैं ना। अभी हम पास्ता ऐड कर देंगे। अलग अलग एक एक पास्ता खिल गया है। पास्ता का टेस्ट डबल करने वाली चीज है मलाई। अभी ऐड की जा रही है एंड में। हमका पास्ता खाना है, हमका पास्ता खाना है। गीता भट्ट की रसोई में आज पास्ता बना रखा है, कल इनको रास्ता दिखा दूंगी। ससुराल जाकर मैं बहुत ज्यादा मिस करूंगी मोमेंट। मम्मी के हाथ का बना हुआ पास्ता वैसे पूछने का मोहताज ही नहीं है कि बना कैसा है, पर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए पूछते हैं कैसा बना है। बहुत अच्छा, अमेजिंग। पल उड़ के बैठा अपना दिखा दिया मैंने पहले ही। मम्मी के साथ लाडिया लाडिया कर रहा था, ऐसे बैठा ऐसे कर देना ऐसे रख के। वो देखी मम्मी सही है ना, मजेदार। अभी पता नहीं लगा मम्मी का बहुत स्वाद है। मम्मी का सिरा है, सिरा। थैंक यू मम्मा इतना टेस्टी पास्ता बनाने के लिए। टेस्टी टेस्टी पास्ता फैमिली साथ में ग्रीज भाई का व्लॉग, डबल मजा। हमें हमारे वाइट चने उबल रहे हैं यहाँ पे और कल के व्लॉग में आपने देखा था रात मक्की की रोटी बनाई थी सरसों के साथ हमने खाई थी। तो दो रोटी मैंने एक्स्ट्रा बनवाई थी दादी जी से, वो इसलिए क्योंकि आप सबको पता ही है कि भाभी को लड्डू जो बनाते हैं चूरी वाला मक्की की रोटी को बहुत अच्छा लगता है। लास्ट में बनाया था, भाभी को बहुत पसंद आया था तो अभी मैं वही बनाने लगी हूँ भाभी के लिए। दोनों साथ वो बाहर बैठी ब्लॉग देख रही हैं। मक्की की रोटी के टुकड़े बनाकर उसे बर्तन में डालकर बर्तन को डाल दिया है माइक्रोवेव में। मगर मक्की की रोटी में अभी देसी घी डाल लिया है मैंने, शक्कर भी डाल ली है। बहुत गर्म हो रहा है ये, गर्म गर्म ही इसे चूरना पड़ेगा। अगर ये ठंडी हो गई तो चूरी भी नहीं जाएगी। सरप्राइज। टेस्ट कैसा है? एक नंबर। मेरे पापा, लव यू पापा। 2000 तो लड्डू बने थे, वो भी भाभी के लड्डू सबने खा लिए है ना। मैंने खाया। नोबिता, ए नोबिता, दादी नु मिला, दादी नु आ जाओ जी। अरे 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 अरे, तू आ गया, तेरा जी करया या? हां, आ गया जी। सबसे प्यार लेता है, सबसे प्यार लेता है।
मम्मी के लिए फूल लेके आए हैं। दादी मम्मी बहुत खुश होने वाली। अभी दादी को छोड़ने के लिए मैं बाहर गई तो इतने में बाहर पार्सल वाले भैया आए हुए थे। उनसे जस्ट अभी मैंने ये इतना बड़ा एक पार्सल रिसीव किया है और इस पे हमारा एड्रेस भी है, मेरा मोबाइल नंबर भी है, हमारे यहाँ का पिन कोड भी है। नीचे इस पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे आरती भट्ट जोशी फ्रॉम सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर का नाम गगनदीप कौर है, मॉडल टाउन फगवाड़ा पंजाब का एड्रेस है, पिन भी वहीं का लिखा हुआ है। इस पे जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है इस पे मैं कब से ट्राई कर रही हूँ लेकिन ये कॉन्टैक्ट नंबर लग नहीं रहा। तो जिन्होंने भी गगन जी ने ये भेजा है पार्सल, तहे दिल से आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओपन करने से पहले ही बोल रही हूँ, बर्थडे लास्ट मेरा 21 दिसंबर को था, ये मेरे पास आज रिसीव हुआ है। बर्थडे तो मेरा है गिफ्ट आरती के लिए, मतलब खुश हो रही हूँ मेरे लिए आया है। चलो जो भी निकलेगा आधा आधा कर लेंगे, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। इसमें टेप भी इतनी जबरदस्त लगा रखी है भाई साहब, कहाँ से खोलना शुरू करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अंदर इसके कुछ भी हो, मैं इतना बड़ा गिफ्ट देख के ना ऐसे ही खुश हो गई हूँ। पता नहीं इसके अंदर आया क्या है। मैं ऐसे हैरान हूँ कि ये मेरा फोन नंबर, ये एड्रेस घर का कैसे मिल गया, किसको मिल गया, ये कैसे भेज दिया। अब मैं बात करती तो नंबर नहीं लग रहा, नंबर मैं बाद में भी ट्राई करती रहूंगी। सॉरी बाबू सॉरी, नोबिता सो रहा है यहाँ पे। चोली 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 चोली, जबरदस्त लगा रखी है। लोहड़ी वाले दिन आज मुझे यहाँ पे सरप्राइज मिल गया है, इतनी सारी टेप लगा रखी है इसके ऊपर, इसे खोलते खोलते 10 मिनट हो गए मुझे। ओ भाई साहब, टेप का जंजाल। हैप्पी बर्थडे मम्मा, हैप्पी बर्थडे। अबे खुलेगा कहाँ है भाई साहब, चोको पाए लॉलीपॉप भाई साहब ये है क्या मम्मा। ओह माय गॉड, भाभी देखना ये यही खाती है ना। कैसे हंसी है देखना, ये यही खाती है। मैंने कहा इतना बड़े डब्बे, तभी इतना हैवी हैवी लग रहा है, इतने सारे लॉलीपॉप है इसके अंदर। क्या चूड़ी जारी है, चूड़ी है। अगले ने इतने प्यार से भेजा, आप भी पहन लेना, अभी आप पहन लेना। हाँ नोबिता की हरकत देखना जरा, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसके लगी कुश्तियां चल रही हैं, देखो बीच में क्या करी जा रहा है नोबिता, क्या हो रहा है ये। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा। मम्मी ने भी पास्ता खाया, दोबारा पास्ता आ गया, मम्मी को पास्ता लग रहा है। अभी और है, रुको जरा सबर करो। किसने चिज्जी का खजाना खोल दिया भाई, पूरी दुकान ही भेज दिया घर पे। अंकल चिज्ज नाइस, तुरतुरे चिज्जियां ही चिज्जियां, चिज्जियां ही चिज्जियां। My favorite yellow lace. जा। जी, पूरा डब्बा हो गया खाली और चिज्जियों का लग गया यहाँ पे ढेर। थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपका नंबर लगेगा तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी, और आपके पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है तो आप प्लीज सामने से खुद ही मुझे कॉल कर लेना। और मैं सच में हैरान हूँ यार इतनी सारी चीजियां देख के। ये देखो यहाँ पे बच्ची बच्ची हूँ, क्या बात है भाभी। पॉलीपॉप, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू। ये पहले मैं करती हूँ मिठा, हैप्पी बर्थडे टू मी। बताओ यार
सरप्राइज होगा, सरप्राइज। नाइस यार, मैं इसको इसके अंदर ही भर के ले जाऊंगी गाजियाबाद। आपको भी दूंगी थोड़ा सा, आपको भी दूंगी थोड़ा सा। आधा आधा मम्मी कह रही, आधा मम्मी का। भाभी यहाँ पे क्या कर रही है मम्मी? यहाँ पे मम्मी ने इकट्ठी कर ली। ये बढ़िया, ये आपका हिस्सा, ये आपकी बुआरी का हिस्सा। मैं कहूँ मेरे को ये मिलेगा, ये वो भी उठाया जा रहा है, वो भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये लो। बचंती अपने नए नए कपड़े पहन के घूम रही है। ये लो नोबिता महाराज जी, ढोल बजने की आवाज आती है ना तो नाचने का मन करता है। डुम डुम लक लक, डुम डुम लक लक, हैप्पी लोहड़ी आए, डुम डुम लक लक, डुम डुम लक लक। नोबिता वो ढोल की आवाज सुन के भूख के जा रहा है, भूख रहे जा रहा है। मम्मी खुश, मम्मी दादी फूल लेके गई है। वाइट चने बढ़िया तरीके से उबल चुके हैं हमारे। यहाँ पर की जा रही है तड़के की तैयारी और यहाँ पे भुजाई साफ कर रही है बर्तन। अदरक लहसुन प्याज को भी चॉप किया जा रहा है यहाँ पर, तड़का लगाया जा रहा है। टमाटर और हरी मिर्च को करेंगे हम चॉप। प्याज अच्छी तरीके से भुन चुका है, अभी टमाटर हरी मिर्च जो हमने की है चॉप उसे ऐड किया जा रहा है। हेलो, हाँ बेटू क्या हाल है? बढ़िया पापा, नमस्कार, हैप्पी लोहड़ी। थैंक यू, हैप्पी लोहड़ी टू यू। हेलो, हाँ हैप्पी लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी, ठीक ठाक हो? खाना ठीक ठाक है। वो फिर मैं तो कह रहा हूँ कल शाम को वापस आना पड़ेगा, कह रहा बंदे है नहीं तो चाली इमरजेंसियाँ लगी हुई है। तड़के में अभी पनीर मिलाया जा रहा है यहाँ। बाहर चले अलग बनाए हैं पनीर भी बढ़िया से पक चुका है हमारा, अभी इसमें ऐड किया जा रहे हैं यहाँ पे वाइट चने उबले हुए। यहाँ पत्ता भी काट लिया मैंने, मैं सामान तैयार कर करके मम्मी को देती रही, मम्मी ऐड करते रहे, फटाफट काम निपट गया, पता ही नहीं लगा कब सब्जी तैयार होगी हमारी। सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो ही गई है हमारी, सिम गैस पे पक रही है धीरे धीरे। और यहाँ पर मम्मी ने हाथों हाथ चावल भी रख दिए बनने के लिए। भूख तो वैसे फिलहाल है नहीं, खाना बन जाएगा तो चलो एक छुट्टी हो जाएगी, दोपहर के 12:30 तो बज ही गए हैं। यहाँ पर खाना तैयार कर दिया है मम्मी ने और खुद पी रही है भी यहाँ पर शेक। ठंड कितनी लग रही है मम्मी? ठंडी भी बहुत लग रही है, हाथ लकड़ गए। दोपहर का 1:15 बज चुका है, बाहर धूप का नामो निशान नहीं, अभी भी ऐसे लग रहा है बाहर से कोहरा ही जम रहा हो। दुन 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 दुन। फिलहाल घर का सारा काम वाम निपट चुका है, गिरीश भैया एडिटिंग कर रहे हैं और भाभी गई हुए नहाने के लिए। मम्मा आ गए दादी के पास साग सेकने के लिए, तो मैं भी आ गई यहाँ पे। लहसुन लाई हूँ छीलने के लिए, परांदी लेके आई हूँ, परांदी डालूंगी आज बालों में। दीन दीन दीन। फिर सुबह यहाँ से जाएंगे अच्छा आज तो मुश्किल है पापा का, आज नहीं आएंगे, मना ही कर दिया हमने तो। आज आराम से सोए रहो। आग भी सेकी जा रही है, लहसुन भी छीला जा रहा है। मैंने मम्मी को बोला कि गुत बना के परांदा डाल दो बीच में। मम्मी ने बालों में हाथ लगाया, मम्मी कह रही ओ जो मेरी इतनी सिकरी इतनी चै, फिर से सिकरी हो गई है सिर में काफी। मम्मी कह रहे पहले तेल लगवा, परांदा तो रहने दे तू, पहले तेल लगवा। सिकरी ज्यादा हो रही मम्मी? बहुत ही ज्यादा भर गया ना सिर, फिर से फिर भर गया। इतने टाइम यहाँ रही कोई शिकरी नहीं थी। कहते नींबू निचोड़ के लावे तेल। आंटी मैंने वो लगाया था अच्छा। कपूर मुश्कपूर पिछली बार लाया से ना हट गए सीगे, हूँ फिर हो गए। कल ही अभी मैंने सिर धोया था, चिप्पू बना, फिर चिप्पू सा बना दिया मुझे चिप्पू सा। अभी यहाँ पे परांदा डाला जा रहा मेरी गुत में। गुत च परांदा तेरा करदा कमाल नी, बिल्लियां बलोरी अखा कर दी सवाल, तुरे मटक मटक नी तू फिर नी ती चाल। मम्मा मैं छुंद लग रहा हूँ ना? बहुत ही ज्यादा छुंद लग रही है तू तो। चलिए ऐसी छुंदर तो कोई है ही नहीं दुनिया में।
लोहड़ी फेस्टिवल रात को सेलिब्रेट करने के लिए मैं हो गई हूँ तैयार शुयर, मेरा परवांदा। मैं एक बार बस अब इतने लंबे बाल करने हैं, इतने लंबे बाल करने हैं। परवांदा मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि लगा के ना बाल फिर लंबे लंबे से लगने लग जाते हैं। वैसे यहाँ तक तो बाल है मेरे, देखो एंड तक यहाँ तक तो है ना अम्मी। अब काटूंगी नहीं बाल, बढ़ाऊंगी। जस्ट अभी मैं आई हूँ घर पे, जैसे भैया तो सो गए हैं और यहाँ पर भुजाई भी नहाकर हो गई है तैयार और यहाँ पे फिल्म देखी जा रही है। फना पूरा माहौल बना रखा, पूरा अंधेरा आराम से बैठ के देख रही है। क्या खा रही हो ये? चूरन वाली गोली। अच्छा बचपन में खाते होते थे। परांदा पैर में कितना लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी आ गए, अभी आग सेक के दोपहर के 3:15 हो रहे हैं और जैसे अभी हम लोग लंच करने लगे हैं। गिशी अभी सो के उठानी है तो हमने कहा चलो हम तो खाना खा ही लेते हैं। चलो मैं आपने देख लिया कि तैयारी वगैरह लोड़ी की हमने क्या की कैसे की। और गगन जी जिन्होंने मुझे वो भेजा था पार्सल, तहे दिल से शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और प्लीज़ मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, मुझे आपसे बात करनी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बेल आइकन को दोबारा बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। खाना कैसा बना भाई लोग? बहुत स्वाद।